हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियास किचन। आज हम बनाएंगे भरवा तोरई मसाला। चलो देखते हैं ये भरवा तोरई मसाला बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। पिसी हुई मूंगफली 1 चम्मच, पिसा हुआ तिल 1 चम्मच, पिसा हुआ ड्राई कोकोनट, मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, आप फ्रेश नारियल भी ले सकते हो। 1 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, टेस्ट के लिए नमक, करी पत्ते, कटा हुआ हरा धनिया और तेल। देखो ये भरवा तुरई बनाने के लिए ये जो तुरई है, तुरई को सबसे पहले छीलना है। ये जो इसके लाइंस होते हैं इसको कट करना है। चलो हम इसको कट करते हैं। देखो अभी इसको इस पिलर की सहायता से हम इसके इसी तरह से कट करेंगे। आप चाहे तो पूरा छिलका भी निकाल सकते हो, लेकिन मुझे उसका छिलका पसंद है, इसीलिए मैं पूरा छिलका नहीं निकालूंगी। जस्ट ये हार्ड पार्ट है और ज़्यादा कड़क है, इसको मैं निकालती हूँ। देखो इसी तरह से, ये बहुत बड़ी तुरई है, आप छोटी भी ले सकते हो। देखो इसी तरह से इसको मैंने पील किया है। अभी इस तुरई के हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। जैसे हमको भरवा कढ़ाई चाहिए, इसीलिए हम इस साइज के टुकड़ों में इसको कट करेंगे। देखो इसी तरह से इस टुकड़ों में हमने तुरई को कट किया है। अभी भरवा तुरई बनाना है, इसीलिए जैसे हम बैंगन कट करते हैं इसी तरह से इसको, देखो इसी तरह से कट करेंगे क्योंकि हम इधर मसाला भरेंगे। चलो ऐसा सारी तुरई को हम इसी तरह से कट करते हैं। देखो ये तुरई किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं, लेकिन जब आप इसी तरह से भरवा तुरई बनाएंगे तो सभी को ही बहुत ही पसंद आएगी। देखो ये सारी तुरई कट करके तैयार है। अभी हम भरवा तुरई बनाने के लिए मसाला तैयार करेंगे। देखो इधर मैंने पैन गरम करने के लिए रखा है। अभी इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हुआ है, अभी हम इसमें करी पत्ते डालेंगे। करी पत्ते डालने के बाद सरसों डाल देते हैं, जीरा भी इसमें ही डाल देते हैं। देखो ये सरसों और जीरा अच्छी तरह से फूल गया है। अभी हम इसमें ये अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। हल्दी डाल देते हैं। हल्दी डालने के बाद इसमें हमें ड्राई कोकोनट डालेंगे। एक पीसा हुआ तिल, तिल हमने थोड़ा भून के पीसा है, उसकी पाउडर बनाएंगे। एक लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। गरम मसाला, इसको मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे एक पीसी हुई मूंगफली। अभी इसमें टेस्ट के लिए नमक डालते हैं। अभी इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से भुनना है। जब तक ये हल्का सा गाढ़ा नहीं होता है और इसमें से तेल अलग नहीं होता है, तब तक हम इसको भुनेंगे। देखो ये मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। देखो ये जो भुना हुआ मसाला है, गैस बिल्कुल मैंने धीमी रखा है, और ये भुना हुआ मसाला हम इस तुरई में चम्मच से भरेंगे। चाहिए तो आप डायरेक्ट मसाला भुना नहीं तो भी चलेगा, सारी चीज़ें मिक्स करके भी आप इसमें भर के ये भरवा तुरई बना सकते हो। लेकिन जब आप इसी तरह से तुरई बनाओगे तो अंदर तक उसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी लगेगी। देखो इसी तरह से हम ये सारी तुरई भरते हैं। देखो इसी तरह से सारे तुरई में हमने मसाला भरा है। अभी जो बचा हुआ मसाला है इसमें हम पानी डालेंगे। देखो ये भरवा तुरई हम
सूखी नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ग्रेवी वाली बना रहे हैं, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है। अभी इस पानी को उबल आने देते हैं। देखो इसको उबल आया है, अभी एक छोट तुरई है हम इसमें डालेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे। ऊपर से थोड़ा एक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और ढक्कन रख के बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसको 5 या 7 मिनट तक पकाते हैं। 5-7 मिनट में तुरई अच्छी तरह से पक जाएगी और तुरई भी थोड़ी गाढ़ी दिखेगी। चलो हम इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर इसको पकाते हैं। देखो इसी तरह से ये तुरई भरवा तुरई मसाला बन के तैयार है। देखो कितना अच्छा, उसकी करी भी बहुत अच्छी दिखने लगी है। देखो ये पकाने में मुझे 10-11 मिनट लगा है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाला था, इसीलिए आपने थोड़ा कम डाला तो जल्दी से ये बन जाता है। देखो कितना अच्छा ये बन गया है। मैं अभी इसको एक सर्विंग बाउल में निकालती हूँ। लीजिए इसी तरह से गर्मा गर्म भरवा तोरई मसाला बनके तैयार है, मीन्स भरवा दुड़का बनके तैयार है। मैं अभी इसके ऊपर थोड़ा गार्निशिंग के लिए कटा हुआ हरा धनिया डालती हूँ और बहुत ही अच्छा टेस्टी ये भरवा तोरई मसाला बन गया है। ये भरवा तोरई मसाला रोटी के साथ, नान के साथ परोस सकते हो, चावल के साथ भी इसको खा सकते हो। बहुत अच्छा टेस्टी ये भरवा तोरई मसाला बन गया है। आप भी जरूर इसी तरह से भरवा तोरई मसाला बनाइए, खाइए। आई होप आपको भी बहुत बहुत पसंद आएगा। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो फिर हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।